वनडे वर्ल्ड कप 2023 में अब तक 14 मैच खेले जा चुके हैं। शनिवार को लीग स्टेज के सबसे बड़े मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। वहीं रविवार को अफगानिस्तान ने टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर किया और डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को हरा दिया। इस जीत के बाद पॉइंट टेबल में अफगानिस्तान 6ठे और 5 बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 10वें नंबर पर पहुंच गया। इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड कप 2023 में अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 10 से उठकर 2 स्थानों पर यानी नंबर 8 पर आ गई। पॉइंट्स टेबल में अब तक अपने 3 मैच जीतकर टीम इंडिया टॉप पर बनी हुई है। न्यूजीलैंड की टीम भी अपने 3 में से 3 मैच जीती है और 2रे नंबर पर है, जबकि साउथ अफ्रीका 2 मुकाबलों में 2 जीत के साथ नंबर 3 पर है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में कुल 48 लीग मुकाबले खेले जाने हैं, जिसके हिसाब से 1/4 टूर्नामेंट अब खत्म हो चुका है। अब तक हुए टूर्नामेंट में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान टॉप रन स्कोरर हैं। रिजवान इस वर्ल्ड कप के 3 मैचों में सबसे ज्यादा 248 रन बना चुके हैं। वहीं 2रे और 3रे नंबर पर डेविन कॉनवे और रोहित शर्मा हैं। कॉनवे के नाम 229 रन है, जबकि रोहित शर्मा के नाम 3 मैच में 217 रन है। ये तीनों ही खिलाड़ी वर्ल्ड कप 2023 में शतक जड़ चुके हैं। वहीं सबसे ज्यादा विकेट की बात करें तो 8 विकेट के साथ जसप्रीत बुमराह टॉप पर है। बुमराह ने 3 मैचों में 8 विकेट लिए हैं। उन्होंने 27 ओवर डालते हुए अब तक कुल 93 रन ही दिए हैं और उनका एवरेज 11 के आसपास का है, इसलिए वो पहले नंबर पर है। वहीं 2रे नंबर पर न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर हैं, जिन्होंने अब तक 3 मैच में 8 विकेट लिए हैं। उनका औसत 15 का है। 3रे नंबर पर न्यूजीलैंड के मैथ्यू हेनरी हैं। हेनरी ने भी 8 विकेट लिए हैं। उनका औसत 18 का है। श्रीलंका के कुशल मेंडिस टूर्नामेंट में सिक्सर किंग बने हुए हैं। उन्होंने 3 मैचों में 14 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में रोहित शर्मा 2रे नंबर पर है। रोहित ने 3 मैचों में 11 छक्के लगाए हैं। वर्ल्ड कप 2023 में अब तक सबसे ज्यादा चौके न्यूजीलैंड के डेविन कॉनवे के बल्ले से निकले। कॉनवे ने 3 मैचों में अब तक 27 चौके मारे हैं।